हर साल 31 मई को WHO द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसी श्रृंखला में राष्ट्रीय संत तुकरोची क्षेत्रीय कैंसर अस्पताल द्वारा पत्र परिषद का आयोजन किया गया था। साथ ही रंगोली निकालकर तंबाकू से होने वाले नुकसान की जानकारी देकर जन जागृति की गई। राष्ट्रीय संत तुकड़ोजी क्षेत्रीय कैंसर अस्पताल नागपुर ने पिछले 3 वर्षों से यानी 2017 से 2019 तक में 15,407 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें 9,381 मामलों में घातक कैंसर का निदान किया गया था। 3 सबसे बड़े कैंसर है ओरल कैंसर, सर्विक्स कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। ओरल कैंसर के मामले 3,131 यानी 33.48%, गर्भाशय 949 10.12% और स्तन कैंसर 1,310 यानी 13.96% का निदान किया गया। हमारे अध्ययन में ओरल कैंसर के 85% मामले तंबाकू के सेवन के कारण होते हैं। आरएसटी कैंसर हॉस्पिटल 1974 से इंडिया के सेंट्रल रीजन को यहाँ के जितने कैंसर पेशेंट हैं उनकी सर्विस में लगी रही है। चूँकि ये चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रही है, बहुत ही रीजनेबल रेट्स में, कंसेशनल रेट में और पुअर पेशेंट को फ्री ट्रीटमेंट देते हुए 45 साल तक ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन पीरियड से लेके आज की परिस्थिति में आज ये कंप्रिहेंसिव कैंसर सेंटर बन चुका है। 98 में इसको रीजनल कैंसर सेंटर की उपाधि मिली, जो अभी अपग्रेड होके टर्शरी कैंसर केयर सेंटर बनी है। ये जो स्कीम है टर्शरी केयर सेंटर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी 3 साल पहले, जिसके तहत सेंटर और स्टेट इनकी पार्टनरशिप में, इनके जॉइंट सहयोग से हमें 45 लाख रुपये सेंक्शन हुए, 45 करोड़। हर साल 31 मई को WHO विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। तंबाकू के उपयोग से स्वास्थ्य जोखिमों को उजागर करता है और तंबाकू की खपत को कम करने के लिए प्रभावी नीतियों की वकालत करता है। तंबाकू का उपयोग विश्व स्तर पर मृत्यु का एकमात्र सबसे रोकथाम योग्य कारण है और वर्तमान में दुनिया भर में 10 वयस्कों में से एक को मारने के लिए जिम्मेदार है। अगर हम बात करें कितनी हद तक सफल हो पाई है तो ये बहुत कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो कैंसर रिलीफ सोसाइटी ने इतना काम किया है कि हम लोगों को एक बहुत बड़ी सरकार से एक मदद दिलवाई है। एक हमारे सामने एक मोबाइल वैन खड़ी है, उस मोबाइल वैन के उस सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है। कैंसर की जान यानी मुंह के कैंसर की जांच, उसके बाद स्तन के कैंसर की जांच और उसके बाद में गर्भाशय के, क्योंकि ये तीन ही कैंसर ऐसे कॉमन है। फिर भी हम लोग गाँव में जाते हैं और गाँव में जाके वहाँ पर कैंप्स करते हैं और सरकार ने हमको उसमें भी काफ़ी पैसा भी दिया है। 20वीं सदी में तंबाकू के सेवन से 10 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। अगर मौजूदा रुझान जारी रहा तो 21वीं सदी में तंबाकू के सेवन से 1 अरब लोगों की मौत हो जाएगी। तंबाकू के सेवन से जीवन भर के कुल उपयोगकर्ताओं में से आधे की मौत हो जाती है। औसतन धूम्रपान करने वालों के जीवन के 15 वर्ष खो जाते हैं। जैसे अभी तक मैं कृष्णा, एडिशनल डायरेक्टर RST, जैसे अभी तक बाकी मान्यवरों ने बताया, वी आर वर्किंग ऑन अनदर हॉस्पिटल एंड वी आर वर्किंग ऑन नो टोबैको। टिल देन जब तक हमारा जो 100 बेड का हॉस्पिटल है ये अफोर्डेबल केयर, क्वालिटी केयर फॉर पुअर पीपल, इसके लिए अविरत ट्राई कर रहा है। हम शुरुआत से लेके अभी तक ऑल प्रोटोकॉल मेंटेन करके टू प्रोवाइड एज मच एज क्वालिटी केयर एट अफोर्डेबल रेट के बारे में कोशिश जारी है। WHO ने हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 के लिए 1 साल का वैश्विक अभियान शुरू किया है, कमिट टू क्विट। इस अभियान का उद्देश्य विभिन्न पहलों और डिजिटल समाधानों के माध्यम से दुनिया भर में 100 मिलियन लोगों को तंबाकू छोड़ने के प्रयास में समर्थन देना है। यह स्वस्थ वातावरण बनाने में मदद करेगा जो तंबाकू छोड़ने के लिए अनुकूल है। नमस्कार, मैं डॉक्टर करतार सिंह, संचालक RST कैंसर हॉस्पिटल नागपुर। आज 31 मई को नो टोबैको डे है, इंटरनेशनल नो टोबैको डे। आज के दिन हम लोग कैंसर के किसी भी उत्पाद को उपयोग ना करें, ऐसे हम इसके बारे में कसम खाते हैं, एक प्रतिज्ञा लेते हैं। सभी को जानकारी होगी कि कैंसर
और इस तरह की और भी बहुत सारी बीमारियाँ जो तंबाकू के द्वारा होती हैं। तंबाकू दो तरह से ज़्यादा उपयोग किया जाता है, एक तो चबा के खाने से और दूसरा स्मोकिंग के द्वारा, जैसे सिगरेट बीड़ी है, जो चबाने वाला जो है च्यूइंग टोबैको वाला जो है वो खर्रा गुटखा ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा सामान्य रूप से उपयोग होता है। यदि हम नागपुर का स्टैटिस्टिक देखें तो लगभग टोटल का 40% जो केसेस हैं। कोविड 19 महामारी ने लाखों तंबाकू उपयोगकर्ताओं को छोड़ना चाहा है, हालांकि तंबाकू छोड़ना चुनौतीपूर्ण है, विशेष रूप से महामारी द्वारा लाए गए अतिरिक्त सामाजिक और आर्थिक तनाव के साथ। दुनिया के 1.3 बिलियन तंबाकू उपयोगकर्ताओं को छोड़ने में मदद करने के लिए डिजिटल समाधान WHO ने तंबाकू छोड़ने के लिए नई एक्सेस इनिशिएटिव की स्थापना की, जो लोगों को अन्य चीजों के अलावा डिजिटल परामर्श तक मुफ्त पहुंच प्रदान करता है। WHO ने फेसबुक, व्हाट्सएप और सोल मशीन जैसी तकनीकी कंपनियों के साथ साझेदारी की है, ताकि जागरूकता बढ़ाने और तंबाकू उपयोगकर्ताओं को चैटबॉट और डिजिटल स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मदद से तंबाकू छोड़ने में मदद मिल सके। उदाहरण के लिए फ्लोरेंस एक डिजिटल परामर्शदाता जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है, लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए एक व्यक्तिगत योजना विकसित करने में मदद करता है और उन्हें अपने देशों में उपलब्ध मोबाइल ऐप और टोल फ्री छोड़ने की लाइनों के लिए मार्गदर्शन करता है। इस बीच व्हाट्सएप पर क्विट चैलेंज साइन अप तंबाकू उपयोगकर्ताओं को सीधे उनके मोबाइल फोन पर मुफ्त संदेश प्रदान करता है कि कैसे छोड़ें। ये और अन्य वैश्विक और क्षेत्रीय समाप्ति उपकरण विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 के अभियान के हिस्से के रूप में शुरू किए जाएंगे, जो एक बार फिर दोहराएगा कि मजबूत समाप्ति सेवाएं स्वास्थ्य में सुधार करती है, जीवन बचाती है और पैसे बचाती है। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरी के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।